वो आपदा प्रबंधन पूरी नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन का प्लान तैयार किया जाए। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर नहरों के मुद्दे पर कल जो मुख्य न्यायाधीश जी ने आदेश दिया था कि एनवीडीए और हम मिलकर बैठे और बात सुलझाने की कोशिश की है, वो था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्लान्स के अमल के बारे में और अन्य मुद्दों पर, क्योंकि मुख्य सचिव की कमेटी तो बनाई है पर विवाद छूटा नहीं और कार्य आगे नहीं बढ़े हैं जबकि बरसात द्वार में है। तो कल ये तय हुआ कि 26 तारीख से लेकर सब ने मिलकर संयुक्त जांच होगी, जहां जहां नुकसान हुआ है फसलों का या ज़मीन का, और उसमें एनवीडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और हमारे कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। साथ ही आज हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने इस पर भी आदेश दिए कि जहां भी कोई भी कार्य में त्रुटि रहने के कारण, एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन जो या गलती होने के कारण किसानों का नुकसान हुआ हो, जैसे कि अनार्जित ज़मीन पर मलबा डालने से या कमांड एरिया डेवलपमेंट के ड्रेनेज यानी निकास की व्यवस्था न करते हुए नुकसान होने से, उसकी भरपाई 2013 के नए भू अर्जन कानून के तहत उसकी धारा 12 से धारा 28 तक के आदेश के तहत दी जाए और वो प्रत्यक्ष जो नुकसान है उस पर दी जाए। एनवीडीए ने ये कहने की कोशिश की कि जो पुराने रेवेन्यू सर्कुलर्स है 2006 तक के, उसके आधार पर दिया जाए। हमने आक्षेप आपत्ति ली कि ब्रिटिशों के समय के वो आदेश है और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो वो तो बहुत ही कम है। इसलिए वो देखकर सर्कुलर, कोर्ट ने कहा कि ये तो प्राकृतिक आपदा के लिए आदेश है, ऐसे जो जानबूझकर गलती हुई है कॉन्ट्रैक्टर से या एनवीडीए से, उसके नुकसान भरपाई तो प्रत्यक्ष जो नुकसान हुआ है उसके आधार पर और 2013 के कानून के आधार पर दी जानी चाहिए और उसका पूरा अमल 3 महीने के अंदर होना चाहिए। सालों से लोगों की फसलें बर्बाद हुई है, ज़मीन भी बर्बाद हुई है, फिर से खेती नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में भी ज़मीन है। तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि मलेरिया जो बड़वा जैसे तहसील में बहुत बड़ा है और हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उधर के 800 से 600 तक की केसेस साल में आई है, तो उसको उन्होंने कम हुआ ये दिखाया था चीफ सेक्रेटरी के समक्ष और कहा था कि अभी तो इस साल अप्रैल 2014 तक केवल 59 केसेस आई। प्रत्यक्ष में मलेरिया तो बारिश में आता है, इसलिए अप्रैल तक के डेटा देने के मतलब ही नहीं। उसको मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि एक्सपर्ट कमेटी पर्यावरण मंत्रालय की, उन्होंने जो जो इसके बारे में सिफारिश और आदेश दिए उसका पूरा पालन होना चाहिए। ये भी कहा कि जो जिनके जिनके पुनर्वास के संबंध में दावे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो पूरे नहीं हुए हैं, उस पर पूरा अमल किया जाए और उनको पुनर्वास पूरा दिया जाए और वो भी जल्दी से जल्दी। ये भी कहा गया कि एक हफ्ते में पर्यावरण मंत्रालय की जो विशेषज्ञ समिति है उसने यहाँ आना चाहिए और बारिश के पहले स्थिति का जायजा लेना चाहिए और फिर बारिश के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में भी जायजा देना चाहिए, जो कि हमारा आग्रह था। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर कलेक्टर ने जो नुकसान भरपाई की कीमत लगाई होगी वो मंजूर नहीं हुई किसानों को, तो उनको कोर्ट में फिर से केस लगाने का मौका रहेगा। और जो आपदा प्रतिबंध उपाय और कानून है 2005 का, उसके तहत राज्य शासन ने पूरे नर्मदा घाटी के प्रोजेक्ट्स के लिए जब भी और जहां भी आपदा आई है उसके लिए आपदा प्रबंधन योजना बनानी चाहिए और कानून पर पूरा अमल करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने अर्थात ये पहले ही आदेश दिया है कि जो जो सिफारिशें एक्सपर्ट कमेटी ने की है, जैसे कि पहले से सिंचित क्षेत्र में कैनॉल्स की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर पुनर्विचार करने का आदेश उन्होंने दिया है, क्योंकि नर्मदा किनारे जहां महेश्वर और सरदार सरोवर के जलाशय आने वाले हैं उसी गांव में बची हुई ज़मीन में ये नहरें खोद रहे हैं सिंचाई देने के लिए, जबकि जलाशय का पानी गांव में रहने वाला है, वहां से पानी खेत तक लाने में कोई तकलीफ नहीं और ज़मीन खुद कर और ज़मीन बर्बाद होने वाली है। तो एक्सपर्ट कमेटी ने पहले यही कहा था कि 8 किलोमीटर तक कितने सिंचाई के स्रोत है इसको देखा जाए और उस पर तय किया जाए कि ज़रूरी है कि नहीं, तो उस पर पूरे पर अमल करने का आदेश उन्होंने 3 जनवरी का जो दिया है
उस पर अमल करने के कहा। जॉइंट कमेटी कब से दौरा करेगी 26 से? जॉइंट कमेटी का दौरा एनवीडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और अन्य अधिकारी और हमारे कार्यकर्ता मुकेश भाई भगोरिया, देवेंद्र सिंह तोमर, लालचंद भाई पाटीदार, विक्रम भाई वगैरह वगैरह मिलकर करेंगे 26 से 2-3 जुलाई तक।